गाइज वेलकम बैक टू द कनेडियन फीवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कनेडियन फीवर के एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम 30 जुलाई 2022 के आईएलटीएस एग्जाम की फाइनल प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रेडिक्शन रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, चंद बातें जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वो क्या है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह ना, इसमें आप सभी का बेनिफिट है। जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही में हमने देखा है जून और जुलाई के जो प्रीवियस एग्जाम हुए, एग्जाम से पहले ही राइटिंग टास्क वन या टास्क टू कहूँ या फिर कहूँ रीडिंग लीक्ड हो जा रही थी। इनकेस 30 जुलाई को भी ऐसा कुछ सीन रहता है तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट की मैं आपकी और बात करूँ तो कि जैसे ही आप अपने एग्जामिनर हॉल से एग्ज़ाम देकर निकलेंगे, तब आपको विद इन हाफ आवर के अंदर या वन आवर के अंदर हमारे चैनल पर रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर रीडिंग का राइटिंग का देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके साथ ही आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे आप अपने आंसर मैच कर पाएंगे कि कितने आपने आंसर सही लिखे हैं और किन क्वेश्चनों में आपको डाउट है। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बाकी स्टूडेंट से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल बेनिफिट था। बेल आइकन मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी विदाउट बेल आइकन प्रेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो 13 जुलाई के स्टडी प्लान स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर दिया था एक मंथ पहले ही, बट अब आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बट हाँ, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अभी भी 9 दिन बचे हुए हैं 20 जुलाई को मिलाकर, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो भी अपलोडेड है जिसके अंदर आपको लिसनिंग राइटिंग एंड रीडिंग प्रोवाइड की गई थी अकॉर्डिंग टू द डेट्स, तो आप मस्ट फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगर पैसेज वाइज की बात करूँ तो किस टाइप का हमें रीडिंग देखने को मिलने वाला है, तो रीडिंग ओवरऑल ईजी आने वाली है, ईजी टू मॉडरेट हो सकती है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए मॉक टेस्ट में ईच बैंड भी नहीं आ रहे, ईच 6 बैंड भी अचीव नहीं कर पा रहे वो मॉक टेस्ट में, उनके लिए मॉडरेट थोड़ी हो सकती है। अगर पैसेज वाइज की बात करूँ तो येस नो एंड ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है। अगर पैसेज टू की बात करूँ तो लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड एमसीक्यू देखने को बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। अगर पैसेज थ्री की बात करूँ, रिसर्चर मैचिंग ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स आने के 99% चांसेस बन रहे हैं। अगर जीडी के बच्चों के लिए बात करूं तो अगेन उनके लिए भी इजी टू मॉडरेट एग्जाम हो सकता है और आप इजीली इस एग्ज़ाम के अंदर अपने रिक्वायरमेंट डिज़ायरमेंट अचीव कर सकते हैं। अगर लिसनिंग की बात करूं तो लिसनिंग मॉडरेट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हमें इसके अंदर एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, कौन से सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के अंदर आपको एमसीक्यू देखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर राइटिंग टास्क वन की बात करूँ तो लाइन मैप बार टेबल जरूर से करके चल जाइएगा, इनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर पिछले एग्ज़ाम को देखे जाएँ तो उनके हिसाब से यही चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं 30 जुलाई के एग्ज़ाम में, अगर ऑब्जर्व करें पिछले एग्ज़ाम्स को। तो अगर टास्क वन जीटी के जनरल टास्क वन की बात करें तो फॉर्मल लेटर आप अच्छे से प्रिपेयर करके चल जाइएगा सभी स्टूडेंट्स जो जनरल कैंडिडेट हैं। अगर टास्क टू की बात करूँ, एग्री एंड डिसएग्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कस बोथ भी ज़रूर से प्रिपेयर करके चल जाइएगा, इनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इस बार, तो मस्ट ये 3 ऐसे टास्क टू प्रिपेयर करके चल जाइएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा में लेना है तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आप कर सकते हैं एक सेफर साइड में रहने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल प्रेडिक्शन थी, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उसका बेनिफिट उठा सके। तब तक लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चे अपने डिज़ायरमेंट जल्द से जल्द अचीव करें और अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाएँ।